गुड. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आपको मैंने दिया था. सो द क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ कैरेक्टर स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n. तो अगर आपके पास एक लेंथ n की कैरेक्टर स्ट्रिंग है तो उसमें से कितनी सब स्ट्रिंग्स पॉसिबल हैं. ठीक है. सो द आंसर इज व्हाट. आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड बिकॉज हमने क्वेश्चन को अभी किया था. सो दिस इज वेरी सिंपल. n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू. n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू. तो यहाँ पर क्या है कि इस केस में वी आर नॉट टेकिंग अ सबस्ट्रिंग ऑफ लेंथ जीरो. अगर हम लेंथ जीरो की सबस्ट्रिंग को भी ऐड करेंगे तो प्लस वन हो जाएगा. लेकिन अगर हम लेंथ जीरो की सबस्ट्रिंग को ऐड नहीं कर रहे, अगर हम बोलते हैं कि सबस्ट्रिंग की जो लेंथ है या तो वन होगी या लेंथ टू होगी या लेंथ थ्री होगी एंड सो ऑन. अगर हम लेंथ जीरो की सबस्ट्रिंग को ऐड नहीं करेंगे सो द आंसर विल बी n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू. अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था. ओके. नाउ नेक्स्ट इज सो दिस इज द सेम क्वेश्चन एक्चुअली. द थिंग इज दिस इन दिस क्वेश्चन इन गेट 1998 ऑल्सो दे हैव आस्क्ड द सेम क्वेश्चन. दे आर सेइंग हाउ मेनी सबस्ट्रिंग ऑफ डिफरेंट लेंथ नॉन जीरो यानी कि कम जीरो लेंथ नहीं होना चाहिए कैन बी फॉर्म फ्रॉम अ कैरेक्टर स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एन. तो द सेम क्वेश्चन इज देयर. ये क्वेश्चन आपके पास दो तीन बार रिपीट हो चुका है. दिस क्वेश्चन वॉज ऑल्सो इन 1998 एज वेल एज दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इन 1994. तो दोनों बार ये क्वेश्चन आया था. तो 1998 में इन्होंने थोड़ा सा बेटर किया है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एग्जैक्टली मेंशन किया है कि नॉन जीरो लेंथ हो सकती है. तो एग्जैक्टली द आंसर इज डी. लेकिन अगर जो लेंथ है वो जीरो भी हो सकती है तो n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू आपका आंसर होगा. प्लस वन राइट. नेक्स्ट नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ n जीरोस एंड k वंस इन विच नो टू वंस आर एडजेसेंट. आपके पास कितनी ऐसी बाइनरी स्ट्रिंग पॉसिबल हैं जहाँ पर आपके पास n जीरो हैं और k वन है. ठीक है. सो यू हैव n जीरोस एंड k वंस. तो इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग वंस लेट अस प्लेस जीरोस. तो आपके पास जीरोस हैं जीरो 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 जीरो. तो ये टोटल आपके पास n जीरोस हैं. कितने जीरो आपके पास टोटल n जीरोस हैं. अब जो वंस है वो कहीं पर भी आ सकते हैं. तो वन जो है वो यहाँ पर भी आ सकता है, वन यहाँ पर भी आ सकता है, वन यहाँ पर भी आ सकता है, वन यहाँ पर भी आ सकता है. तो इस तरीके से आपके पास टोटल के वंस हैं, के वंस हैं. लेकिन ये पोजीशंस कितनी होंगी सारी, ये नंबर ऑफ वंस वाली पोजीशंस कितनी होंगी यहाँ पर राइट. तो ये जो पोजीशंस हैं ये जितने भी जीरो हैं हर एक जीरो से पहले और जीरो के बाद में है. तो ये जो पोजीशंस हैं जहाँ पर आप वन डाल सकते हो वो बेसिकली आपके पास n1 n प्लस वन पोजीशंस हैं राइट. तो हो सकता है कि एक वन यहाँ पर आए और हो सकता है एक वन यहाँ पर आए और हो सकता है एक वन यहाँ पर आए. तो आप देख सकते हो कि इन दोनों वन के बीच में दो जीरो आ गए और इन दोनों वन के बीच में तीन जीरो आ गए. तो इस तरीके से आपके पास n प्लस वन पोजीशंस हैं जहाँ पर वन आ सकते हैं. अब ये जो n प्लस वन पोजीशंस हैं यहाँ पर वंस को कैसे अरेंज करेंगे, हाउ विल यू अरेंज वंस इन ऑल दिस n प्लस वन पोजीशंस. ठीक है, कैसे अरेंज करेंगे और कितने वंस हैं आपके पास टोटल, के वंस हैं. तो कैसे अरेंज करेंगे, दैट इज एन प्लस वन सी के राइट. सो इतने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं. इस तरीके से आप एन प्लस वन पोजिशंस में के वंस को रख सकते हो. तो इट इज़ अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड. द करेक्ट आंसर इज एन प्लस वन सी के. ठीक है. सो यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गर्ल्स हैव पिक्ड 10 roses, 15 sunflowers and 15 daffodils. What is the number of ways they can divide the flowers among themselves? वो कितने तरीके से अपने साथ जो flowers हैं उनको divide कर सकते हैं. तो आपके पास है 10 roses, 15 sunflowers and 15 daffodils. ठीक है. अब देखो कैसे divide कर सकते हैं, because they have not written कि कम से कम इतना देना है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना देना है. तो आपके पास दो girls हैं. सो दिस इज़ अ गर्ल वन एंड दिस इज़ अ गर्ल टू. सो लेट इज अज्यूम बिकॉज हमारे पास 10 रोजेज़ हैं. सो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कि जो गर्ल्स वन को कोई भी रोज़ नहीं दिया और गर्ल टू को 10 रोजेज़ दे दिए. उसी तरीके से गर्ल वन को हमने एक रोज़ दिया और गर्ल टू को 9 दे दिए. गर्ल थ्री को फिर हमने गर्ल वन को या तो दो रोज़ दे दिए और गर्ल टू को 8 दे दिए. उसी तरीके से गर्ल वन को हमने 3 दिया, गर्ल टू को हमने 7 दे दिए. उसी तरीके से हम गर्ल 1 को 10 दे सकते हैं और गर्ल 2 को 0 दे सकते हैं. तो यानी कि जो आपके पास ये 10 रोजेज़ हैं तो इन रोजेज को बांटने का तरीका कैसे, कितने तरीके से आप इनको डिवाइड कर सकते हैं दोनों के बीच में. सो यू कैन डिवाइड इन 11 वेज.
आप इनको टोटल 11 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। उसी तरीके से जब आपके पास ये सनफ्लावर्स हैं तो इनको भी हम 15+1 यानी कि 16 वेज के अंदर इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर 10+1 हुआ तो यहाँ पर 16+1 हुआ। इन द सेम वे अगर आपके पास डफोडिल्स हैं तो डफोडिल्स को भी आप 16 वेज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो टोटल आप देखेंगे कितने तरीके से हम इनको बांट सकते हैं। सो दिस इज 11 × 16 × 16। तो इतने तरीके से हम इन सभी को बांट सकते हैं या फिर दे सकते हैं। तो अगर आप चेक करेंगे जो वैल्यू है, दिस वैल्यू विल बी अप्रॉक्सीमेटली 2816 वेज में वो अपने बीच में फ्लावर्स को डिवाइड कर सकते हैं। सो द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी विच इज नन ऑफ द अबव। तो जो आंसर है वो नन ऑफ द अबव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी फोर डिजिट इवन नंबर्स हैव ऑल फोर डिजिट्स डिस्टिंक्ट। यानी कि जितने भी आपके फोर डिजिट इवन नंबर्स है उसमें चारों के चारों जो फोर डिजिट है वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, उसमें रिपीटेड डिजिट्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वो इवन नंबर्स की बात कर रहा है। तो आपके पास चार डिजिट है, 1, 2, 3 एंड 4, वो चार डिजिट्स की बात कर रहा है। अब चार डिजिट में अगर ये नंबर इवन है, इफ दिस नंबर इज इवन, तो ये जो लास्ट डिजिट है आपकी इट कैन बी 0, लास्ट डिजिट आपकी 2 हो सकती है, लास्ट डिजिट आपकी 4 हो सकती है, लास्ट डिजिट आपकी 6 हो सकती है, 8 हो सकती है। सो टोटल आपके पास 5 सच केसेस हैं, 5 केसेस हैं जिसमें आपकी जो लास्ट डिजिट है वो 2, 4, 6, 8 इस तरीके से हो सकती है। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे, देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है, राइट? तो इसकी ट्रिक कैसे है, देखो ये आपकी 4 डिजिट्स हैं, अगर आपकी लास्ट डिजिट ऑलरेडी 0 हैं, ठीक है, तो आपके पास नंबर कौन सी होती है, आपके पास नंबर होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अगर आपकी लास्ट डिजिट ऑलरेडी 0 है तो यानी कि जो आपकी फर्स्ट पोजीशन है इसके लिए आपके पास 9 चॉइसेस हैं। आप 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर डाल सकते हो। अब जो नंबर यहाँ पर यूज़ कर लिया उसको यहाँ पर यूज़ नहीं करना। तो सेकंड पोजीशन के लिए आपके पास 8 चॉइसेस हैं, थर्ड पोजीशन के लिए आपके पास 7 चॉइसेस हैं, लास्ट पोजीशन के लिए आप सिर्फ 0 को ही यूज़ कर रहे हैं। तो कितनी चॉइसेस होंगी आपके पास, टोटल 9 × 8 × 7 विच इज़ इक्वल टू 504 पॉसिबल वेज। आप 504 वेज से इन सभी को अरेंज कर सकते हैं। बट अगर लास्ट डिजिट आपकी 2 है तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, तो उस केस में आपका जो पहली पोजीशन है यहाँ पर 0 नहीं आ सकता। फर्स्ट पोजीशन के चॉइसेस कौन कौन सी हैं, 0, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो केस ये है कि अगर लास्ट डिजिट आपकी 2 है तो पहली पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता, बिकॉज अगर पहली पोजीशन में 0 आया तो उस केस में ये आपकी 4 डिजिट नंबर नहीं बनेगी, आपकी 3 डिजिट नंबर बनेगी। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए आपके पास नंबर ऑफ़ चॉइसेस भी कम हो जाती है, उसी तरीके से सेकंड पोजीशन के लिए आपके पास नंबर ऑफ़ चॉइसेस उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट होती है, करेक्ट? तो जितने भी ये सभी केसेस हैं, यानी कि जहाँ पर लास्ट डिजिट आपकी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इन चारों केसेस में आपकी जो फर्स्ट डिजिट है वहाँ पर 0 नहीं हो सकता, फर्स्ट डिजिट में 0 नहीं हो सकता, राइट? तो फॉर ऑल दीज फोर केसेस क्या हो सकता है, आपकी जितनी भी चार डिजिट है, इन चार डिजिट में लास्ट डिजिट के लिए आपके पास चॉइस है, या तो 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा, यू हैव 4 चॉइसेस। लेकिन जो फर्स्ट प्लेस है वहाँ के लिए आपके पास 7 चॉइसेस हैं, क्योंकि इस केस में आपके पास जो नंबर है, अगर आपने यहाँ पर 2 को यूज़ किया तो यहाँ पर 2 नहीं आ सकता और 0 नहीं आ सकता, 0 कैन नॉट कम, राइट? 2 और 0 दोनों नहीं आ सकते। लेकिन जो सेकंड प्लेस है इसके लिए 8 चॉइसेस आपके पास हो जाएंगी, और जो थर्ड प्लेस है इसके लिए भी आपके पास 8 चॉइसेस हो जाएंगी। तो आपके पास कितनी चॉइसेस होंगी, 4 × 7 × 8 × 8, ठीक है? तो ये कितनी चॉइस होंगी आपके पास, ये होंगी टोटल 1792 चॉइसेस, ये आपके पास 1792 चॉइसेस होंगी। तो टोटल कितने नंबर है ऐसी पॉसिबल, विच इज़ 504 प्लस 1792 विच इज़ इक्वल टू 2296। तो 2296 सच नंबर्स आर पॉसिबल। क्लियर सो फार? सो यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन दिस अगेन? मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो हमारे पास डिजिट्स कौन कौन सी होती है, यू हैव डिजिट लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9।
तो उन्होंने बोला कि चार डिजिट की इवन नंबर कितनी पॉसिबल है, हाउ मेनी फोर डिजिट इवन नंबर्स आर पॉसिबल, जहाँ पर सभी चारों की चारों डिजिट जो हैं वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, ऑल द फोर डिजिट शुड बी डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो आपके पास जब चार डिजिट की इवन नंबर्स पॉसिबल हैं तो लेट अस सी कि आपके पास लास्ट पोजिशन में क्या क्या केसेस हो सकते हैं। सो दिस इज डिजिट वन, डिजिट टू, डिजिट थ्री एंड डिजिट फोर, डिजिट वन, डिजिट टू, डिजिट थ्री एंड डिजिट फोर। तो जितने भी इवन नंबर हैं तो इवन नंबर के केस में यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है इट शुड बी आइदर ज़ीरो, इट शुड बी आइदर टू, फोर, सिक्स एंड एट। तो ये जो चारों जो आपकी लास्ट पोजीशन पे यहाँ पर आपके पास इन पांच में से कोई भी एक डिजिट हो सकती है, अगर इन पांच में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पर है तो हम बोलेंगे कि वो एक इवन नंबर है, करेक्ट। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई भी उन्होंने फोर डिजिट की नंबर पूछी है, अगर मैं कोई नंबर बोलता हूँ 4893 तो ये एक फोर डिजिट की नंबर है, बट इफ़ आई से नंबर इज 0893 तो यहाँ पर क्या है कि जो बिकॉज यहाँ पर जीरो आ गया तो 893 जो है वो एक फोर डिजिट के नंबर, हम इसको काउंट नहीं करेंगे। यानी कि एनी नंबर विच इज स्टार्टिंग विद ज़ीरो विल नॉट बी काउंटेड एज ए फोर डिजिट नंबर, दैट विल बी काउंटेड एज ए थ्री डिजिट नंबर। तो तीन डिजिट के नंबर में काउंट होगा, वो फोर डिजिट के नंबर में काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब केसेस क्या क्या हैं, तो पहला केस ये है, केस वन, पहला केस कौन सा है, ये वाला केस, ये जो केस है ये आपका पहला केस है। केस वन ये है कि आपके पास चार में से जो लास्ट डिजिट है उसको हमने ज़ीरो फिक्स कर दिया, तो यानी कि जो पहली पोजीशन है यहाँ पर कौन कौन से डिजिट हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, राइट। तो यहाँ पर पहली पोजीशन के लिए आपके पास 9 चॉइसेस हैं, तो 9 में से कोई भी नंबर यहाँ पर आ सकती है, ठीक है। बट अगर आप इसमें से लेट अस अज्यूम कि हमने 1 को पहली पोजीशन पर डाल दिया, तो जो आपकी जो सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन पर कौन कौन सी चॉइस आएंगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। वाई, बिकॉज जो 1 है 1 को हमने फर्स्ट पोजीशन पर डाल दिया, राइट। तो इसमें कितनी चॉइसेस हैं आपके पास, इसके लिए टोटल आपके पास 8 चॉइसेस हैं। तो लेट अस अज्यूम हमने यहाँ पर 3 को डाल दिया, तो जो थर्ड पोजीशन है यहाँ पर कितनी चॉइसेस हैं, 2, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो इस पोजीशन के लिए आपके पास 7 चॉइसेस हैं, राइट। तो जो लास्ट पोजीशन है इसमें तो सिर्फ एक ही चॉइस है आपके पास, कौन सी चॉइस है आपके पास, कि यहाँ पर सिर्फ 0 आ सकता है। तो कितनी ऐसी नंबर पॉसिबल हैं, वो होंगी 9 × 8 × 7 × 1। तो ये वो नंबर्स हैं जहाँ पर लास्ट डिजिट इज 0, यानी कि D4 इज 0, D4 पोजीशन पे हमने 0 को रखा, ठीक है, करेक्ट, क्लियर सो फार। अब दूसरा केस क्या आपके पास, दूसरा केस ये है कि आपकी लास्ट डिजिट जो है वो 2 होना चाहिए। तो इट इज केस नंबर 2 वेयर लास्ट डिजिट D1, D2, D3 एंड D4। तो केस नंबर 2 ये है कि जो लास्ट डिजिट आपकी वो हो जाएगी आपकी 2। अब अगर लास्ट डिजिट आपकी 2 है तो जो D1 डिजिट है यहाँ पर आपके पास 0 नहीं आ सकता। तो D1 डिजिट के लिए आपके पास चॉइसेस क्या क्या है, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो पहली नंबर के लिए कितनी चॉइस होंगे आपके पास, देर आर टोटल ऑफ 8 चॉइसेस। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो टोटल आपके पास 8 चॉइसेस हैं। तो लेट अस अज्यूम कि हमने यहाँ पर नंबर 1 को यूज़ कर लिया, तो अगर आपने यहाँ पर नंबर 1 को यूज़ कर लिया तो डिजिट 2 के लिए कितनी चॉइस होंगी, अब डिजिट 2 में 0 भी आ सकता है, तो यहाँ पर आएगा 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इस केस में डिजिट 2 के लिए अब आपके पास दोबारा से 8 चॉइसेस हैं, बिकॉज यहाँ पर 0 भी आ सकता है। तो लेट अस अज्यूम कि हमने यहाँ पर 0 को यूज़ कर लिया, तो जो डिजिट 3 है वहाँ पर आपके पास 7 चॉइसेस होंगी, और जो डिजिट 4 है वहाँ पर आपने ऑलरेडी 2 को प्लेस कर दिया है। तो अगर आपके पास ऐसी जो नंबर जो 2 से डिवाइड होती हो जिनकी लेंथ 4 हो, तो कितनी आएगी, 8 × 8 × 7 × 1। उसी तरीके से ऐसी नंबर जिनकी लेंथ 4 हो और वो लास्ट में जहाँ पर 4 आए, तो कितनी होंगी, वो भी 8 × 8 × 7 × 1। तो ये भी कितनी है, 8 × 8 × 7 × 1। ये वाली भी 8 × 8 × 7 × 1। ये वाली भी 8 × 8 × 7 × 1, राइट। तो आपके पास ये कितने हो जाएंगे, दीज आर 4, तो उसको ऐड करो, 4 × 8 × 8 × 7। तो ये ऐसी नंबर है जहाँ पर लास्ट में आपके पास 0 नहीं आ रहा। तो ये वैल्यू कितनी हो आपके पास, दिस वैल्यू शुड बी हाउ मच, दिस वैल्यू शुड बी
1792. तो अब टोटल कितनी नंबर बनी, नंबर बनी आपके पास ये वाली, राइट. सो विच इज दिस नंबर इज 504. सो दिस इज 504 प्लस 1792 विच इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 2296. तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. तो वो आपका आंसर यहाँ पर रहेगा. क्लियर है सबको? इज इट क्लियर सो फार? व्हाट दे आर सेइंग इज लेट ए बी अ सीक्वेंस ऑफ 8 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर. आपके पास 8 इंटीजर नंबर्स हैं जिसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया. तो लेट अस अज्यूम नंबर्स कौन कौन सी हैं. नंबर्स हो सकती हैं आपके पास. अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि आपको पता होना चाहिए यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है. देखो, आपके पास 4 तरह के ऑर्डर होते हैं. पहला है आपके पास असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर सेकेंड इज नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर. थर्ड इज डिसेंडिंग ऑर्डर. एंड द फोर्थ वन इज नॉन असेंडिंग ऑर्डर. सो एक्चुअली इन सभी में डिफरेंस है. मैनी स्टूडेंट्स, 90% स्टूडेंट्स जो है वो यहीं पर कंफ्यूज करते हैं कि उनको ये क्लियर नहीं होता कि असेंडिंग में और नॉन डिसेंडिंग में फर्क क्या है. देखो, असेंडिंग ऑर्डर क्या है, जब आपकी सभी वैल्यू इंक्रीजिंग में हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो ये क्या आपके पास असेंडिंग ऑर्डर. लेकिन नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर में वो डिसेंड नहीं करेगा, यानी कि सेम वैल्यूज आपके पास आ सकती है, जैसे कि 1, 1, 2, 2, 3. तो ये जो ऑर्डर है ये असेंडिंग ऑर्डर नहीं है, लेकिन ये नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू डिक्रीज नहीं हो रही, वैल्यू इंक्रीज हो सकती है या फिर सेम आ सकती है, राइट. तो यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसको लेस देन ग्रेटर देन वाला साइन होगा, और यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये वाला साइन आप कह सकते हैं, राइट. उसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, नंबर्स हो सकती है 5, 4, 3, 2, 1, और नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर में यू कैन ऑल्सो है 5, 5, 4, 4, 4, 3, 3 एंड 2, 1. तो इस तरीके से आपके पास नॉन असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा. तो सबसे पहले आपको इन सभी में डिफरेंस पता होना चाहिए. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेंडिंग ऑर्डर, नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर एंड नॉन असेंडिंग ऑर्डर, सबके बीच में आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस. उसके बाद लेट अस सी द क्वेश्चन नाउ. लेट ए बी अ सीक्वेंस ऑफ 8 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स सॉर्टेड इन अ असेंडिंग ऑर्डर. आपके पास 8 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं, जैसे कि आपके पास इंटीजर्स हैं 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 एंड 9. चेक करो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो आपके पास टोटली आपके पास है 8 इंटीजर्स हैं जो कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हैं. इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ सीक्वेंसेस बी एंड सी आर देयर. तो आपके पास कितने सीक्वेंस बी हो सकते हैं, कितने सीक्वेंस बी हो सकते हैं और कितने सीक्वेंस सी हो सकते हैं, कितने डिस्टिंक्ट सीक्वेंस हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट, राइट. कितने डिस्टिंक्ट सीक्वेंस बी हो सकते हैं, कितने डिस्टिंक्ट सीक्वेंस सी हो सकते हैं, सच दैट कंडीशंस क्या है. पहला, ईच इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर. तो जितने भी सीक्वेंस बी हैं वो सारे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होने चाहिए, करेक्ट. दूसरा, बी हैज 5 एंड सी हैज 3 एलिमेंट. तो इसकी जो लेंथ है, तो लेंथ ऑफ बी, लेंथ ऑफ सीक्वेंस बी इज 5, लेंथ ऑफ सीक्वेंस सी इज 3. तो दोनों की लेंथ पता होनी चाहिए कि बी की जो लेंथ है वो 5 होगी और सी की जो लेंथ है वो 3 होगी. तीसरा, रिजल्ट ऑफ मर्जिंग बी एंड सी शुड गिव ए. इन दोनों को मर्ज करने के बाद आपके पास ए आए. कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास 1, 3, 5, 6, 7 अगर यहाँ पर सीक्वेंस बी में आ रहा है 1, 3, 5, 6, 7, तो सीक्वेंस सी के अंदर हमारे पास 2, 8 और 9 ये नंबर्स हो सकती हैं, करेक्ट. तो ये नंबर्स आपके पास हो सकती है, राइट. उसी तरीके से अब आपके पास जो सीक्वेंस सी है उसके अंदर और भी कुछ और अलग पैटर्न्स पॉसिबल, जैसे ये एक सीक्वेंस सीक्वेंस बी में हो सकता है. ऐसा भी तो हो सकता है कि सीक्वेंस सी में हमने 1, 3 और 5 को चूज़ किया, तो सीक्वेंस बी के अंदर कौन कौन से नंबर्स आएंगे आपके पास, 2, 6, 7, 8 एंड 9. तो ये नंबर्स आपके पास सीक्वेंस बी में आ सकती है. उसी तरीके से अगर आप चेक करेंगे सीक्वेंस सी में हम लोग 7, 8 और 9 को चूज़ करेंगे, तो सीक्वेंस बी के अंदर कौन कौन से नंबर्स आएंगी, 1, 2, 3, 5, 6, तो ये नंबर्स आपके पास आएंगी, राइट. तो अब इस क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हो कि जो क्वेश्चन है ये क्या चेंज हो गया. क्वेश्चन ये चेंज हो गया, इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट 3 नंबर्स आउट ऑफ 8 नंबर्स. इन 8 नंबर में से आप कौन कौन सी 3 नंबर को चूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी 3 नंबर्स को आप चूज़ कर सकते हैं, राइट. तो कौन कौन सी कैसे हम करेंगे, सो दैट इज़ 8C3 वेज. और 5 नंबर्स को कैसे चूज़ कर सकते हैं, सो इट इज़
एट सी फाइव वेज, एट सी फाइव वेज से हम इन पांच नंबर्स को चूज कर सकते हैं या फिर एट सी थ्री वेज से हम इन तीन नंबर्स को चूज कर सकते हैं। दोनों में से आप कुछ भी देख सकते हैं, करेक्ट। तो इतने आपके पास यहाँ पर सीक्वेंसेस आ जाएंगे। तो अगर मैं कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, क्या कैन एनीवन राइट द कॉम्बिनेशन फॉर्मूला इन द चैट विंडो? क्या आप जो भी यहाँ पर अभी लाइव क्लास देख रहे हैं, क्या आप कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला को चैट विंडो में लिख सकते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन? सो इफ आई से एन पी आर एन सी आर, तो एन पी आर क्या होता है आपके पास? एन पी आर इज एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। और एन सी आर क्या होता है? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई आर फैक्टोरियल। तो यानी कि अगर मैं बोलता हूँ एट सी फाइव, तो एट सी फाइव होगा एट फैक्टोरियल डिवाइड बाई एट माइनस फाइव फैक्टोरियल इंटू फाइव फैक्टोरियल विच इज एट फैक्टोरियल डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल इंटू फाइव फैक्टोरियल। इन द सेम वे एट सी थ्री, एट सी थ्री होगा एट फैक्टोरियल डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल इंटू फाइव फैक्टोरियल। तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं, बोथ ऑफ दीज टू वैल्यूज शुड बी इक्वल, दोनों जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर इक्वल होंगी, ठीक है। तो either you give the answer as 8c3, that is also fine. Even if you give the answer as 8c5, that is also fine. So that should be the correct answer of this problem. देखो, problems जो questions होती हैं वो difficult नहीं होती, questions जो है वो basic concept पर ही बनी होती है examination के अंदर। सिर्फ दो चीज़ें important होती है, पहला आपको ये समझना कि question क्या है, what they want to say in the question, वो क्या बोलना चाहता है। तो पहले आपको वो clear होना चाहिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए। जब तक आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर नहीं है, तब तक आप आंसर क्लियर नहीं बढ़ सकते। दूसरा, अब आपको ये देखना है कि जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन बेसिक कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपकी जो 11th क्लास की मैथमेटिक्स है, 11th क्लास की मैथमेटिक्स में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वाला ही फॉर्मूला लगा है, सेम चीज़ लगी है। सिर्फ ट्रिकी क्या था? ट्रिकी ये था कि क्वेश्चन को समझना कैसे है। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस है उसमें ऐसा ही होगा कि क्वेश्चन को समझना पहली सबसे बड़ा चैलेंज क्वेश्चन को समझना है। जैसे ही आप क्वेश्चन को समझ गए, उसके बाद उसको करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है अब आपको? नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। एन कपल्स आर इनवाइटेड टू अ पार्टी, आपके पास एन कपल्स हैं। दिस इज कपल वन, कपल टू, कपल थ्री, कपल फोर, कपल फाइव, अप टू सो ऑन कपल एन, ठीक है। अब हर एक कपल के अंदर आपके पास एक हस्बैंड होता है एंड यू हैव अ वाइफ। तो हस्बैंड वन वाइफ वन, हस्बैंड टू वाइफ टू, हस्बैंड थ्री वाइफ थ्री। इन द सेम वे यू हैव हस्बैंड एन वाइफ एन, ठीक है। नाउ एन कपल्स आर इनवाइटेड टू अ पार्टी विद द कंडीशन दैट एवरी हस्बैंड शुड बी अकम्पनीड बाय हिज वाइफ, हर एक हस्बैंड के साथ उसकी वाइफ आनी चाहिए। हाउएवर अ वाइफ नीड नॉट बी accompanied by हर हस्बैंड, वाइफ अगर आना चाहती है तो वो अकेली भी आ सकती है, वाइफ जो है अपने हस्बैंड के साथ आना ज़रूरी नहीं है। तो बेसिकली जो हमारे पास होता है स्टैग एंट्री, तो स्टैग एंट्री नहीं है यहाँ पर, तो कपल एंट्री है, या फिर यहाँ पर फीमेल्स एंटर कर सकते हैं पार्टी के अंदर। नाउ द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट गैदरिंग्स पॉसिबल इन द पार्टी, तो कितनी गैदरिंग्स पॉसिबल है। तो अगर आप किसी एक कपल की बात करेंगे तो कपल में क्या होगा, या तो पूरा का पूरा कपल नहीं जाएगा, ना तो हस्बैंड जाएगा और ना ही वाइफ जाएगी पार्टी के अंदर, या फिर उस पूरा का पूरा कपल वाइफ पार्टी के अंदर जाएगा, या फिर सिर्फ वाइफ पार्टी के अंदर जाएगी। तो अगर आप एक कपल की बात करोगे, सो एवरी कपल इज़ हैविंग थ्री चॉइसेस, हर एक कपल के पास तीन चॉइस है, या तो पूरा का पूरा कपल जाए, या पूरा का पूरा कपल नहीं जाए, या फिर सिर्फ वाइफ जाए। तो हर एक कपल के पास तीन चॉइसेस हैं। तो इस कपल के पास तीन चॉइस है, यहाँ पर भी तीन चॉइस है, यहाँ पर भी तीन चॉइस है, यहाँ पर भी तीन चॉइस है। तो आप देख सकते हो जितने भी एन कपल्स हैं सबके पास थ्री चॉइसेस हैं। तो थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री अप टू सो ऑन एन टाइम्स, आपके पास कितनी चॉइसेस होंगी? थ्री रेस्ट पावर एन चॉइसेस। तो आपके पास थ्री रेस्ट पावर एन सच गैदरिंग्स आर पॉसिबल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विच इज थ्री रेस्ट पावर एन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन वॉज वेरी इजी। द ओनली थिंग इज डिफिकल्ट इज कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में बोलना क्या चाहता है, ठीक है। सो लेट अस मूव अहेड आई गेस। सपोज दैट अ रोबोट इज प्लेस्ड ऑन अ कार्टेशियन प्लेन, एट ईच स्टेप इट इज अलाउड टू मूव आइदर वन यूनिट अप और वन यूनिट राइट, और दैट इज इफ इट हैज पोजिशन आई कॉमा जे, देन इट कैन आइदर मूव आई प्लस वन कॉमा जे और आई कॉमा जे प्लस वन। ओके, लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन द क्वेश्चन हियर, ठीक है। सो आई गेस यस, इट्स नॉट अलाउड फॉर मी टू ड्रॉ
this. Anyways, so let me draw it in a graph. तो आपके पास एक graph होगा, so graph will look something like this. So in a graph you have x axis and then you also have y axis. This is y axis. ठीक है. And let me just number it. So it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and so on. In the same way, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let me also draw it in more details. So this line goes like this. I don't have a tool, so basically I have to draw this entire graph physically. Okay, in the same way here also. So this is your graph. ठीक है. Now in this graph your robot is currently at this position. जो आपका robot है वो यहाँ पर है. This is the position where your robot is there. Let us suppose it is R. अब जो भी robot है उसके पास दो choices है. This is the position जो आपकी 0,0 position है. ठीक है. अब ये जो position है ये वाली, this position is your 1,1. This position is your 2,2. और ये जो position है this is your 1,2. ठीक है. तो आपको ग्राफ में पता होना चाहिए कि सभी पोजीशंस क्या है. नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज, पहला क्या है कि अगर कोई भी रोबोट आई कॉमा जे पोजीशन पे, लेट सपोज दिस इज द पोजीशन विच इज आई कॉमा जे, अगर कोई भी रोबोट आई कॉमा जे पोजीशन पे है तो उसके बाद या तो वो ऊपर को जाएगा, यहाँ पर ऊपर, ऊपर का मतलब क्या हुआ, इट इज आई कॉमा जे प्लस वन, या फिर वो अपने राइट की तरफ जाएगा, राइट की तरफ यानी कि ये वाला मतलब है आई प्लस वन कॉमा जे. तो इफ द रोबोट इज एट एनी पोजिशन विच इज आई कॉमा जे, आइदर द रोबोट कैन गो अप और द रोबोट कैन गो ऑन द राइट डायरेक्शन. राइट. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग इट इज योर राइट डायरेक्शन एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग दैट इट इज योर अप डायरेक्शन, बिकॉज हियर दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर वाई एक्सिस. सो बेसिकली दे वॉन्ट टू से कि इफ योर रोबोट इज एट एनी पोजिशन विच इज आई कॉमा जे, सो आइदर रोबोट योर कैन गो टू अपवर्ड डायरेक्शन और इट कैन गो टू राइट डायरेक्शन. जो रोबोट है आपका या तो अप डायरेक्शन की तरफ जा सकता है या फिर आपका जो रोबोट है वो राइट डायरेक्शन की तरफ जा सकता है. इतना क्लियर हुआ? इज इट क्लियर सो फार? तो वट देर आस्किंग इज हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पाथ्स आर देयर फॉर द रोबोट टू रीच टू द पॉइंट 10,10 फ्रॉम इनिशियल पोजिशन 0,0. आपके पास एक पॉइंट है यहाँ पर, सो लेट मी शो यू हियर. सो दिस इज योर पॉइंट विच इज, दिस इज योर पॉइंट विच इज, दिस इज 10,10 और आपका जो रोबोट है वो करंटली इस पोजिशन पे है, तो वो 10,10 तक कैसे पहुँच सकता है? सो व्हाट यू कैन डू इज, पहले रोबोट यहाँ से राइट जा सकता है, फिर रोबोट जा सकता है अप, फिर रोबोट फिर से राइट जा सकता है, फिर रोबोट जा सकता है दोबारा से अप, फिर रोबोट यहाँ से राइट चला गया, एज्यूम फिर से रोबोट राइट पर चला गया, फिर से रोबोट राइट पर चला गया. राइट. तो रोबोट यहाँ पर पहुँच चुका है, अब रोबोट जा रहा है अप, तो रोबोट ने ये वाला पाथ चूज़ किया, फिर से अप लिया तो रोबोट ने ये वाला पाथ चूज़ किया, फिर रोबोट राइट पर चला गया, दिस इज़ राइट, फिर से रोबोट ने राइट ले लिया तो दिस इज़ राइट, नाउ फिर से रोबोट ने अप ले लिया तो दिस इज़ अप. राइट. इन द सेम वे फिर से रोबोट ने राइट ले लिया तो दिस इज़ राइट एंड अप एंड राइट एंड सो ऑन. तो इस तरीके से रोबोट जो है वो किसी पाथ को चूज़ करके इस 10,10 पोजिशन पर जा सकता है. इतना क्लियर हुआ व्हाट दे आर आस्किंग? क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? राइट इन द चैट विंडो, क्या क्वेश्चन सबको क्लियर है? इज इट क्लियर व्हाट दे आर आस्किंग? सो रोबोट इज करंटली एट द पोजिशन 0,0 एंड दे वॉन्ट कि जो रोबोट है वो 10,10 पोजिशन पर पहुंचे. सो आइदर द रोबोट कैन गो टू अ राइट डायरेक्शन और द रोबोट कैन गो टू एन अप डायरेक्शन. तो या तो राइट पर जाएगा या अप जाएगा, या राइट पर जाएगा या फिर अप जाएगा. क्लियर? गुड. नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज कि जीरो, इस पोजिशन जीरो से लेकर इस पोजिशन 10,10 तक कितने पाथ पॉसिबल है.
रोबोट्स कितने पाथ ले सकते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि रोबोट पहले यहाँ पर जाए, फिर से यहाँ पर जाए, फिर से यहाँ पर जाए, फिर यहाँ पर जाए, फिर यहाँ से राइट ले, फिर ऊपर जाए, फिर ऐसे राइट ले, फिर से राइट ले, राइट ले, फिर इस तरीके से रोबोट कैन टेक एनी पाथ लाइक दिस, राइट? तो इस तरीके से रोबोट किसी पाथ को लेकर 10.10 पोजिशन पर पहुँच सकता है. सो देर आर मेनी पाथ्स आर पॉसिबल फ्रॉम 0.0 टू 10.10. 0.0 से 10.10 तक बहुत सारे पाथ पॉसिबल है. बट यू विल सी कि जितने भी पाथ पॉसिबल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जितने भी पाथ पॉसिबल है उन सभी पाथ में 10 टाइम्स रोबोट को राइट लेना पड़ेगा, 10 टाइम्स रोबोट को राइट लेना पड़ेगा. इन द सेम वे 10 टाइम्स रोबोट को अप लेना पड़ेगा, दिस इज अप. तो ये जो पोजिशन है, इस पोजिशन तक पहुँचने के लिए रोबोट हैज़ टू टेक 10 टाइम्स राइट एंड 10 टाइम्स अप. तो ये आपके सभी राइट हैं, तो अगर नंबर ऑफ राइट को आप काउंट करेंगे तो वो भी 10 आएगा, और आप नंबर ऑफ अप को भी काउंट करेंगे तो वो भी आपके पास 10 आएगा, ठीक है? सो इन टोटल रोबोट को 20 मूव्स लेने पड़ेंगे. अब ये 20 मूव्स किसी भी मैनर में हो सकते हैं, रोबोट्स कैन टेक दिस 20 मूव्स इन एनी मैनर. तो आपके ये मूव्स कौन कौन से हैं? यू हैव 10 टाइम्स अप, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 टाइम्स अप. इट कैन ऑल्सो टेक 10 टाइम्स राइट, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. जैसे कि इस सेम पाथ को अगर आप चेक भी करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो 10 टाइम्स अप ले लिया, फिर 10 टाइम्स राइट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो इस तरीके से रोबोट जो है वो उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए उसको बस 10 टाइम्स अप लेना है, 10 टाइम्स राइट लेना है. बट ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, दिस कैन बी इन एनी ऑर्डर व्हाटसो एवर. तो ये जो प्रॉब्लम है वो चेंज हो गई कि आप एक जो स्ट्रिंग, कितनी स्ट्रिंग पॉसिबल है विथ 10 यू एंड 10 आर. तो प्रॉब्लम कैसे चेंज होगी, हाउ मैनी यूनिक स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 20 आर पॉसिबल विद 10 अप्स और 10 यूज एंड 10 आर्स. तो कितनी यूनिक स्ट्रिंग पॉसिबल है 10 यू से और 10 आर से, तो कितना होगा आपके पास? ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. कितना होगा आपके पास? दिस इज 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल इनटू 10 फैक्टोरियल. तो कैसी प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बोला आपके पास इंस्टीट्यूशन एक वर्ड है, INSTITUTION, ये एक वर्ड है इंस्टीट्यूशन. तो ये जो इंस्टीट्यूशन वर्ड है इसमें से कितने यूनिक स्ट्रिंग पॉसिबल है. उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आपके पास 10 यू है और 10 आर है तो उनसे कितने यूनिक स्ट्रिंग्स पॉसिबल है. तो जितनी भी यूनिक स्ट्रिंग पॉसिबल है वो आपके पास आएगा 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल इनटू 10 फैक्टोरियल. सो दिस विल बी योर आंसर, इतने यूनिक पाथ पॉसिबल है यहाँ से लेकर वहाँ तक. तो बेसिकली दोबारा से सेम वही है कि आपको पहले तो प्रॉब्लम समझनी है, प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद आपको देखना है कि उसको अपने जो आपने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा है वहाँ पर कैसे उसको रिलेट कर सकते हैं. सो दिस इज अ गेट 2007 क्वेश्चन. क्लियर हुआ सबको? इज इट क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था, राइट? मजा आया क्वेश्चन को करके? इज इट क्लियर विद एवरीवन? क्या क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हुआ? सभी से रिप्लाई चाहिए? आई नीड रिप्लाईज फ्रॉम एवरीवन, सो आई गॉट वन रिप्लाई फ्रॉम मैरी. इज द क्वेश्चन क्लियर विद एवरीवन? गुड, सो लेट मी रब इट अप. सो यू कैन ऑल्सो सी द सेम एक्सप्लेनेशन हियर. आपके पास 10 राइट मूव्स लेने पड़ेंगे, 10 अप मूव्स लेने पड़ेंगे, आप उसको किसी भी तरीके से अरेंज करें. सो दिस इज 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल इनटू 10 फैक्टोरियल. दिस इज ऑप्शन नंबर ए व्हिच इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो दिस इज अगेन वन मोर वे ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज वन मोर टाइप. सो व्हाट दे आर सेइंग इज कि आपके पास एक सेगमेंट है 4.4 to 5.4, यानी कि पूरे ग्राफ में एक आपके पास पॉइंट है 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ये जो आपका पॉइंट है 4 यहाँ से और 4 यहाँ से, तो ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट और 5.4, तो 5 ये वाला और 4 ये वाला, यानी कि ये जो यूनिक पाथ है ये पाथ, ठीक है? तो जैसे ये वाला जो पाथ है
ये पाथ नहीं लेना है. सो नो वन शुड टेक दिस पाथ, नो वन शुड टेक दिस पाथ, राइट. तो अ रोबोट कैन टेक एनी पाथ फ्रॉम 0.0 फ्रॉम हियर. तो इन्होंने क्या पूछा इस क्वेश्चन में कि आपके पास रोबोट जो है वो 10.10 पोजीशन पर है. अब रोबोट को इस पोजीशन दोबारा से 0.0 पर पहुंचना है, लेकिन कंडीशन इज कि ये जो पाथ आपके पास है, ये वाला यूनिक पाथ, रोबोट को ये वाला पाथ नहीं लेना है. तो रोबोट कैन टेक एनी पाथ व्हाटसो एवर, लेकिन बस एक ये ऐसा यूनिक पाथ है जो रोबोट को नहीं लेना है. तो कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे हाउ मेनी पाथ आर पॉसिबल, हाउ मैनी पाथ आर पॉसिबल फ्रॉम 10.10 टू 0.0. फिर उसमें से हम करेंगे माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन विच इज पाथ कंटेनिंग नंबर ऑफ पाथ्स कंटेनिंग द मूव 4.4 टू 5.5. तो ऐसे कितने पाथ 5.4, ऐसे कितने पाथ है जिसके अंदर ये वाला मूव आता है. तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि टोटल कितने पाथ पॉसिबल है, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐसे कितने पाथ पॉसिबल है जहां पर ये वाला मूव आता है. ठीक है, तो हमें ऑलरेडी पता है कि नंबर ऑफ पाथ कितने पॉसिबल है. तो नंबर ऑफ पाथ पॉसिबल जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कितना आपके पास, 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 20c10. तो इतने टोटल नंबर ऑफ पाथ पॉसिबल है. अब इसमें से हमें उन पाथ को सब्ट्रैक्ट करना है जहां पर ये वाला मूव आता है. तो यहां से आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहां पर करेक्ट आंसर हो सकता है. बट सबसे पहले समझते हैं कि यहां पर हम इसको करेंगे कैसे. तो सबसे पहले तो हमें 10.10 से लेकर इस पॉइंट तक पहुंचना पड़ेगा विच इज 5.4 या फिर हमें 4.4 तो सॉरी 5.4 इस पॉइंट तक हमें पहुंचना पड़ेगा सबसे पहले. ठीक है, तो 10.10 से 5.4 तक पहुंचना पड़ेगा. फिर हमें इस 4.4 पॉइंट से हमें 0.0 पॉइंट तक पहुंचना है. तो बेसिकली आपको देखना पड़ेगा ऐसे कितने पाथ पॉसिबल है जहां पर ये बीच में आता है, हाउ मैनी पाथ्स आर पॉसिबल जहां पर ये वाला एक यूनिक पाथ जो है वो बीच में आ सकता है. इतना क्लियर, इज इट क्लियर सो फार. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पाथ पॉसिबल फ्रॉम 0.0 टू 4.4. तो 0.0 से 4.4 तक कितने पास पॉसिबल है, इसको आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है या आप निकाल सकते हैं इसको इजीली. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कितना होगा आपके पास, आपके पास टोटल आपको 8 मूव्स लेने पड़ेंगे जिसमें 4 राइट और 4 अप. सो दैट इज 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. तो इतने आपके पास मूव पॉसिबल है. फिर हम बोलेंगे कि 5.4 से 10.10 तक कितने पाथ पॉसिबल है. तो आप इसको चेक करेंगे तो दोबारा से आपको काउंट करने पड़ेगा टोटल कितने मूव्स लगेंगे आपको यहाँ से वहाँ तक जाने में, हाउ मेनी मूव्स आर रिक्वायर्ड. तो आप चेक करोगे 5 से लेकर 10 तक पहुँचना आपको 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो इस तरीके से आपके पास 6 मूव्स यहाँ पर हैं. ठीक है, सो दिस आर टोटल ऑफ 6 मूव्स. तो इन सभी 6 मूव्स तक पहुंचने के लिए आपको कितने मूव्स लेने पड़ेंगे. सो यू हैव टू टेक, सो बेसिकली एक मूव तो यहाँ पर विषय ऑलरेडी लिया हुआ है राइट. तो आपको टोटल 11 मूव्स लेने पड़ेंगे. सो 11 मूव्स कौन से होंगे आपके पास, यू हैव टू टेक राइट. ठीक है, तो बिकॉज आप 5.4 पर ऑलरेडी हैं, सो यू हैव टू टेक राइट एंड यू हैव टू टेक अप राइट. एक राइट मूव आपके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा होगा. वाई, बिकॉज हम 4.4 से लेकर 5.4 तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, उसके बाद हमें यहां से आगे बढ़ना है. तो यहां पर आपका आंसर कितना होगा, दैट इज 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. तो आंसर आएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल विच इज 11c5. तो आपका आंसर हो जाएगा 11c5. तो आप चेक करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, विच इज 20c10 माइनस ये वाला किसके लिए, 0.0 से लेकर 4.4 तक पहुंचने के लिए, और ये वाला किसके लिए, आप 5.4 से लेकर 10.10 तक पहुंचने के लिए, या फिर कहो कि 10.10 से 5.4 तक पहुंचने के लिए और ये 4.4 से 0.0 तक पहुंचने के लिए. तो हमने ये बताया कि ऐसे कितने पाथ पॉसिबल है जहां पर ये एक पाथ बीच में आएगा. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है. ठीक है, सो आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा. आप चाहो तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ से देख सकते हैं, दिस एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो गिवन हियर.
ठीक है, तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन गिवन है इस वीडियो के अंदर। आप चाहो तो वीडियो को बाद में जब रिवाइज़ कर रहे हैं तो पॉज कर सकते हैं और पॉज करके इन मूव्स को काउंट कर सकते हैं कि आपके पास 6 राइट मूव्स होंगे एंड यू विल बी टेकिंग 5 अप मूव्स। तो आपको देखना है तो टोटल आपके पास 11 मूव्स हैं, तो इनको कैसे अरेंज कर सकते हैं। सो दिस इज 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो आप इसको चेक कर सकते हैं एंड दिस इज 11C5 या फिर इट कैन ऑल्सो बेटर 11C6। ये दोनों आपके करेक्ट आंसर होंगे, इसकी जगह पर 11C5 भी लिख सकते हो या फिर 11C6 भी लिख सकते हो, दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। एनी डाउट सो फार? सो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने आरडी शर्मा 11th क्लास की अगर पढ़ी है तो वहां से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस टेक दिस क्वेश्चन हियर। सो इट इज सेइंग इन हाउ मेनी वेज कैन बी ब्लू बॉल्स, आपके पास बी ब्लू बॉल्स हैं, सो B1 बी ब्लू बॉल्स, ऑल दीज आर ब्लू बॉल्स, तो कितनी ब्लू बॉल्स हैं यहां से लेकर यहां तक आपके टोटल ऑफ बी ब्लू बॉल्स हैं, और आपके पास आर रेड बॉल्स हैं, दिस इज रेड बॉल्स, टोटल आपके पास आर रेड बॉल्स हैं, और आपके पास एन डिस्टिंक्ट बॉक्सेस हैं, तो नंबर ऑफ बॉक्स आपके पास है एन, तो दिस इज बॉक्स 1, दिस इज योर बॉक्स 2, दिस इज योर बॉक्स 3, अप टू सो ऑन दिस इज योर बॉक्स एन, तो टोटल आपके पास ये एन डिस्टिंक्ट बॉक्सेस हैं। तो उन्होंने बोला है कि इन ब्लू बॉल्स को इन बॉक्सेस में कितने तरीके से हम लोग रख सकते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन यू प्लेस इट। सो जो आंसर है वो बहुत ही फाइन है, मतलब बहुत ही इजी आंसर है। सो आंसर इज योर सी विच इज एन प्लस आर माइनस 1 सी आर, सो दिस इज योर आंसर विच इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है ये आपने स्कूल लेवल में ऑलरेडी पढ़ा है, दिस इज योर स्टडीड इन योर 11th क्लास आर डी शर्मा, इस क्वेश्चन को आपने 11th क्लास की आर डी शर्मा में पढ़ा है और आपको एक क्लियरली पता है कि क्वेश्चन को करते कैसे हैं, लेकिन मैं फिर भी इसको समझाता हूँ कि हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। आपको मैंने एक वीडियो सेंड भी किया था इन योर टेलीग्राम ग्रुप, आई हैव सेंट यू वन वीडियो विच इज कॉम्बिनेशंस विद रिपीटिशंस, यस आई हैव सेंट यू दैट वीडियो। तो यहाँ पर क्या है आपके पास कि आपके पास कुछ बॉक्सेस और आपके पास आइडेंटिकल, जैसे लेट अस सपोज वी हैव कुछ आइडेंटिकल बॉल्स है, यू हैव आइडेंटिकल बॉल्स और आपके पास कुछ बॉक्सेस हैं, जैसे आपके पास है लेट अस सपोज 2 बॉक्सेस, ठीक है, आपके पास 2 बॉक्सेस हैं, तो लेट अस सपोज आपकी जो बॉल्स हैं दिस इज योर बॉल 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 बॉल, और इन बॉल्स को आपको बॉक्सेस में रखना है, तो लेट अस अज्यूम आपके पास 2 बॉक्सेस हैं, यू हैव 2 बॉक्सेस, और आपको देखना है कि इन बॉल्स को इन 2 बॉक्सेस में हम कैसे रख सकते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन यू प्लेस दीज 4 बॉल्स इन दीज 2 बॉक्सेस, आप इन 4 बॉल्स को 2 बॉक्सेस में कैसे रख सकते हैं, दिस इज बॉक्स 1 एंड दिस इज बॉक्स 2, तो कैसे रख सकते हैं, आपके पास पहले बॉक्स में आप 0 बॉल्स को रखो और दूसरे बॉक्स में 4 बॉल्स को रखो। दूसरा केस क्या है, पहले बॉक्स में आपने 1 बॉल को रखा, दूसरे बॉक्स में आपने 3 बॉल्स को रखा, फिर पहले बॉक्स में आपने 2 बॉल्स को रखा, दूसरे बॉक्स में 2 बॉल्स को रखा, और पहले बॉक्स में आपने 3 बॉल्स को रखा, दूसरे में 1 को रखा, या फिर पहले में 4 को रखा और दूसरे में आपने 0 को रखा। तो यहाँ पर चेक करोगे तो ये आपके पास कितने सच केसेस पॉसिबल, टोटल दिस आर 5 सच कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, यहाँ पर आपके पास 5 कॉम्बिनेशन जो है वो पॉसिबल है। क्लियर, इतना क्लियर है। अब लेट अस अज्यूम कि मैं यहाँ पर नंबर ऑफ बॉक्सेस को इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, तो आपके पास बॉल्स हैं 1, 2, 3 एंड 4, 4 बॉल्स हैं और आपके पास 3 बॉक्स हैं, दिस इज बॉक्स 1, दिस इज बॉक्स 2, दिस इज बॉक्स 3, तो आप कैसे कर सकते हैं, आप 4 की 4 बॉल्स को यहाँ पर रखो, इनमें कुछ ही मत डालो, यहाँ पर 3 बॉल्स रखो, यहाँ पर 1 रखो, यहाँ पर 0 रखो, या फिर यहाँ पर 3 रखो, यहाँ 0 रखो और यहाँ पर 1 को रखो, उसी तरीके से यहाँ पर 2 बॉल्स रखो, 1 को यहाँ पर रखो, 1 को यहाँ पर रखो, यहाँ 2 रखो, 2 को यहाँ रखो और 1 को यहाँ रखो, या फिर यहाँ पर 2 रखो, 1 को यहाँ रखो और 2 को यहाँ रखो, या फिर सॉरी दिस इज 0 एंड दिस इज 0, राइट, इन द सेम वे यहाँ पर आपने 1 को रखा, यहाँ पर आपने 2 को रखा और यहाँ पर आपने 1 को रखा, इस तरीके से देयर आर मेनी सच कॉम्बिनेशंस आर प्रेजेंट। तो बेसिकली आप इसको एक बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, द सेम थिंग कैन बी एक्सप्लेन इन अ मेनी वे विच इज़ अबाउट कि अगर आपने पैरेंथेसिस आपने देखा होगा, लेट मी शो यू कि कैसे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लेट अस अज्यूम आपके पास 4 बॉल्स हैं, लेट मी गिव यू द इजी एक्सप्लेनेशन,
और आपके पास दो बॉक्सेस हैं, दिस इज बॉक्स वन एंड दिस इज बॉक्स टू, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि इनको कितने तरीके से रख सकते हैं। तो बेसिकली वो ये वो प्रॉब्लम कैसे चेंज होती है कि हाउ मेनी वेज कैन यू पार्टीशन दिस बॉल, आप इन बॉल्स को कितने तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास एक पार्टीशन ऐसा हो सकता है कि बॉल बॉल एंड बॉक्स बॉक्स। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर पार्टीशन करता हूँ तो इसका मतलब है कि दो बॉल्स को इस बॉक्स में रखो और दो बॉल्स को इस बॉक्स में रखो, ठीक है। तो आपने दो तरीके से इसको पार्टीशन किया। उसी तरीके से हम पार्टीशन ऐसा भी तो कर सकते हैं कि बॉक्स पार्टीशन बॉल बॉल बॉल, इसका मतलब है एक बॉल को यहाँ रखा और तीन बॉल्स को यहाँ पर रखा। ऐसा भी तो कर सकते हैं कि यहाँ पर पार्टीशन किया बॉल 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 बॉल, यानी कि जीरो बॉल्स को यहाँ पर रखा और यहाँ पर हमने सभी चार बॉल्स को रख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो एक तरीके से इस तरीके से चेंज हो जाती है कि जो पार्टीशन है इसको किस तरीके कितने तरीकों से आप पार्टीशन कर सकते हो। तो लेट सपोज इफ पार्टीशन को अगर मैं पी से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास यू हैव फोर बॉल्स, यू हैव फोर बॉल्स एंड यू हैव टू बॉक्सेस, ठीक है। तो अगर दो बॉक्स में रखना है तो हमें सिर्फ एक पार्टीशन की ज़रूरत है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज दीज थिंग्स, तो कितना होगा आपका टोटली फाइव होगा, आपके पास होगा फाइव फैक्टोरियल डिवाइड बाय फोर फैक्टोरियल फॉर द नंबर ऑफ बॉल्स एंड वन इज फॉर नंबर ऑफ पार्टीशन, सो दिस इज फाइव फैक्टोरियल डिवाइड बाय फोर फैक्टोरियल, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो ये वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, क्लियर है सबको। सो दिस वैल्यू विल बी योर फाइव ओनली। उसी तरीके से अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि यू हैव टेन बॉल्स, यू हैव टेन बॉल्स एंड यू हैव थ्री पार्टीशंस, आपके पास टेन बॉल्स हैं और तीन पार्टीशंस हैं, तीन पार्टीशन का मतलब है कि यू हैव फोर बॉक्सेस, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास दो बॉक्सेस हैं तो यानी कि एक पार्टीशन है, अगर आपके पास तीन बॉक्सेस हैं तो यानी कि आपके पास दो पार्टीशंस बन जाएंगे। तो अगर आपके पास तीन बॉक्स है, इफ़ द नंबर ऑफ बॉक्स आर थ्री, तो उस केस में क्या होगा, आपके पास फोर बॉल्स थी तो फोर बॉल्स प्लस टू पार्टीशंस, तो आपके पास हो जाएगा टोटल सिक्स। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर सिक्स फैक्टोरियल डिवाइड बाय फोर फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल। उसी तरीके से अगर आपके पास टेन बॉल्स हैं और आपके पास चार बॉक्सेस हैं तो आपके पास क्या होगा, टेन प्लस थ्री विच इज़ इलेवन सॉरी थर्टीन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आपके पास होगा टेन बॉल्स विच इज़ टेन फैक्टोरियल और तीन पार्टीशंस विच इज़ थ्री फैक्टोरियल, सो दिस इज़ योर आंसर। तो अगर मैं बोलता हूँ इन जनरल इफ़ आई से वी हैव एम बॉल्स, अगर आपके पास एम बॉल्स हैं एंड यू हैव एन बॉक्सेस, आपके पास एन बॉक्सेस हैं, एम बॉल्स हैं और एन बॉक्सेस हैं, तो आपके पास क्या होगा, दिस विल बी नंबर ऑफ पार्टीशंस विल बी नंबर ऑफ पार्टीशन विल बी एन माइनस वन। तो यानी कि अब आपको एम बॉल्स विच इज़ बॉल 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 विच इज़ एम टाइम्स एंड यू हैव पार्टीशंस पार्टीशन 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 विच इज़ एन माइनस वन टाइम्स। अब आपको देखना है कि इसको कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास टोटल, दिस इज एम प्लस एन माइनस वन, ठीक है। सो दिस इज एम प्लस एन माइनस वन सी, ठीक है, कितने वेज में इसको अरेंज करना है, या फिर आप सिंपल इसको बोलो कि इंस्टेड ऑफ सेइंग सी वी कैन से इट इज़ एम प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एम फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल। तो ये आपका फॉर्मूला होगा, इस फॉर्मूले से आप अपने आंसर को निकाल सकते हैं। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, तो लेट अस सपोज कि हमारे पास ब्लू बॉल्स हैं, तो आपके पास बी ब्लू बॉल्स हैं, लेट मी यूज़ द कलर्स ऑल्सो, यू हैव बी ब्लू बॉल्स एंड देन यू हैव आर रेड बॉल्स एंड यू हैव एन डिस्टिंक्ट बॉक्सेस, यानी कि यू आर गोइंग टू हैव एन माइनस वन पार्टीशंस, आपके पास एन डिस्टिंक्ट बॉक्सेस हैं तो यानी कि आपके एन माइनस वन पार्टीशंस हैं। अब इन ब्लू बॉल्स को इन पार्टीशंस में कैसे डालोगे, हाउ मेनी वेज कैन यू इंसर्ट इट, सो दिस इज हाउ मच, बी बॉल्स हैं तो आपके पास हो जाएगा बी प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय बी फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। उसी तरीके से जो आपके पास रेड बॉल्स हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी आर प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल।
तो इतने वेज में आप ब्लू ब्लू बॉल्स को बॉक्सेस में डाल सकते हैं और इतने वेज में आप रेड बॉल्स को बॉक्सेस में डाल सकते हैं। अब अगर दोनों का कंबाइंड देखना है तो दोनों का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे दैट यू विल गेट योर आंसर, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपके पास, बी प्लस एन माइनस वन, राइट। सो बी प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल एंड आर प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल, दिस इज करेक्ट, न्यूमरेटर इज करेक्ट। इन डिनोमिनेटर वी हैव टू टाइम्स एन माइनस वन फैक्टोरियल एंड देन वी हैव बी माइनस बी फैक्टोरियल एंड आर फैक्टोरियल। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा दिस इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए शुड बी अ करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। क्लियर सो फार, आप सभी को क्लियर है इतना? तो इसका जो सॉल्यूशन है दिस इज गिवन एंड यू कैन सी दैट एक्सप्लेनेशन। नाउ सी दिस क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, आई हैव गिवन यू दिस क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। तो व्हाट दे आर सेइंग इज अ पीनेंट, तो पीनेंट की डेफिनेशन गिवन है, सो लेट अस रीड द डेफिनेशन ऑफ पीनेंट। अ पीनेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बीइंग वन और टू, यानी कि हमारे पास सिर्फ वो ही नंबर होगी जहां पर या तो वन आएगा या फिर आपके पास टू आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन पीनेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर विच द सम इक्वल टू एन। देखो एन पीनेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर विद सम इक्वल टू एन, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ वी हैव वन पीनेंट, वन पी नेंट, तो वन पी नेंट में क्या होगा, आपके पास वो नंबर्स होंगे जो सिर्फ वन और टू होंगी और उनका सम वन होगा। तो वन पी नेंट का मतलब है आपके पास सिर्फ एक ही नंबर आएगी वन। अगर मैं आपको बोलता हूँ टू पी नेंट, तो टू पी नेंट का मतलब ऐसी नंबर जिनका सम टू हो, तो आपके पास सिर्फ वन कमा वन, सिर्फ यही एक नंबर है जिनका सम टू है, राइट। या फिर आपके पास एक नंबर आ सकती है टू, तो सिर्फ इस नंबर का सम जो है वो टू है। ऐसी अगर मैं बोलता हूँ आपके पास थ्री पी नेंट, यानी कि ऐसी नंबर जिनका सम थ्री हो, तो अगर आप 2 को 1 से ऐड करोगे तो उसका सम 3 है, या फिर 1 और 1 और 1 तीन 1 को ऐड करोगे तो उनका सम 3 है, या फिर 1 और 2 को ऐड करोगे तो उनका सम 3 है। उसी तरीके से अगर बोलता हूँ 4 पीनेंट, तो 4 पीनेंट का मतलब क्या है, ऐसी नंबर जिसका सम 4 है, तो यानी कि आप 2 और 2 को ऐड करोगे तो सम 4 आएगा, या फिर 2 और 1 और 1 को ऐड करोगे तो सम 4 आएगा, या फिर 1,1,1,1 को ऐड करोगे तब भी सम 4 आएगा, या फिर 1,2,1 को ऐड करेंगे तब भी सम 4 आएगा, या फिर 1,1,2 को ऐड करेंगे तब भी आपके पास सम 4 आएगा, करेक्ट। सो इन द सेम वे यू कैन ऑल्सो चेक कि इज देयर एनी अदर पैटर्न पॉसिबल जहां पर आपके पास सम 4 आ रहा है। ठीक है, तो आप 4 पीनेंट निकाल सकते हैं। उसी तरीके से यू कैन ऑल्सो फाइंड 5 पीनेंट, आप इसी तरीके से 5 पीनेंट को भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें समझना है कि पीनेंट का मतलब क्या है। तो पीनेंट है, पीनेंट में हमारे पास सिर्फ 1 और 2, सिर्फ यही दो नंबर हो सकती हैं, और अगर हम 2 पीनेंट बोलते हैं तो वो नंबर्स जिनका सम 2 है। 4 पीनेंट का मतलब वो सभी नंबर्स के कॉम्बिनेशन जिनका सम 4 आएगा। तो यहाँ पर हम सम की बात करते हैं। अब उसने बोला कि नंबर ऑफ 10 पीनेंट इज, तो कितने 10 पीनेंट्स होंगे, कितनी नंबर्स ऐसी हैं जब हमारे पास 10 पीनेंट्स होंगे। ठीक है, अब देखो अगर मैं 1 पीनेंट की बात करता हूँ तो कितने 1 पीनेंट है आपके पास, तो 1 पीनेंट आपके पास सिर्फ एक ही है, और 2 पीनेंट आपके पास 2 है, और 3 पीनेंट आपके पास 3 है, और 4 पीनेंट 1, 2, 3, 4, 5, तो आपके पास 4 पीनेंट कितने आपके पास 5। ऐसा भी हो सकता है इसके अलावा कोई कुछ और हो जो मैंने मिस कर दिया हो, दैट ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट। ठीक है, अब देखो जब भी हम पीनेंट की बात करते हैं ना, तो इस केस में हम इसके लिए एक रिकर्सिव डेफिनेशन दे सकते हैं, रिकर्सिव डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, अब रिकर्सिव डेफिनेशन कैसे देंगे, अगर आप किसी भी नंबर में सिर्फ 1 और 2 को ऐड करोगे, ठीक है, या तो उसका सम इवन होगा या फिर ऑड होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे 5 पीनेंट को निकालना है, तो 5 पीनेंट को कैसे निकालेंगे, 5 पीनेंट के लिए हम 2 को ऐड करेंगे इन अ 3 पीनेंट, जितनी भी 3 पीनेंट की नंबर है उसको उसके साथ आप 2 को ऐड कर दो, या फिर जितनी भी 4 पीनेंट की नंबर है उसके साथ आप 1 को ऐड कर दो। ठीक है, जैसे कि ये नंबर आपके पास है 3 पीनेंट, ठीक है, सो विच इज 2,1, अगर 2,1 में एक 2 को ऐड करता हूँ तो बन गया 5 पीनेंट, या फिर ये जो नंबर है आपके पास विच इज 1,1,1, इसके साथ आप 2 को ऐड कर दो तो भी ये 5 पीनेंट बन गया, या फिर ये जो नंबर आपके पास है 1,2, तो इसमें आप 2 को ऐड कर दो तो ये भी आपके पास 5 पीनेंट बन गया, राइट। तो ये क्या बन गया अब आपके पास 5 पीनेंट। अब इसको कैसे भी ये रीअरेंज कर सकते हो, राइट। इन द सेम वे या तो मैं जो 4 पीनेंट है वहां पर 1 ऐड कर दूं, तो ये हो जाएगा आपके पास 1,2,2, तो ये आपके पास बन गया यहाँ पर दिस विल बिकम योर 5 पीनेंट। ठीक है, या फिर ये जो नंबर आपके पास है तो 1,2,1,1,
तो इस नंबर के साथ हमने प्लस वन ऐड कर दिया तो बन गया अब आपके पास 5 पेनेंट। यानी कि अगर रिकर्सिवली आप चेक करेंगे तो आपको 10 पेनेंट के लिए आपको सिर्फ 8 पेनेंट और 7 पेनेंट 8 पेनेंट और 9 पेनेंट चाहिए। तो अगर आपको 10 पेनेंट के लिए निकालना, नंबर ऑफ 10 पेनेंट नंबर्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर्स विच आर 8 पेनेंट्स एंड द नंबर्स विच आर 9 पेनेंट्स। बिकॉज 8 पेनेंट्स वाले नंबर पे आप 2 को ऐड कर सकते हो और 9 पेनेंट नंबर पे आप 1 को ऐड कर सकते हो ताकि वो जो नंबर्स हैं वो 10 पेनेंट्स बन जाए, द नंबर विल बिकम 10 पेनेंट्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको? इज इट क्लियर सो फार? तो अगर आप चेक करोगे यहाँ पर कि 1 पेनेंट पे कितने नंबर आते हैं आपके पास, ओनली 1, 2 पेनेंट पे कितने नंबर आपके पास यहाँ पर 2, और 3 पेनेंट पे कितने नंबर आपके पास 3, 4 पेनेंट पे कितने नंबर आपके पास है 4 पेनेंट नंबर इज 5। ठीक है, कैसे किया आपने? 2 पेनेंट पे हमने प्लस 2 को ऐड कर दिया तो आपके पास दो कॉम्बिनेशंस बन गए, और आपने 3 पेनेंट पे हमने प्लस 1 को ऐड कर दिया तो अब आपके पास 3 कॉम्बिनेशंस बन गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप आगे 5। उसी तरीके से अगर मैं 5 पेनेंट की बात करूँगा तो बन जाएगा 3 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 8। ऐसे ही अगर मैं 6 पेनेंट की बात करूँगा सो दिस इज 8 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 13। तो आपके पास 13 ऐसी नंबर्स हैं जो कि 13 6 पेनेंट्स होंगे, 13 नंबर्स आर देयर विच आर 6 पेनेंट्स। क्लियर सो फार? क्लियर, राइट? सो ये अगर आप चेक करोगे सो दिस इज बिकम ए फिबोनाची सीरीज। ये आपकी एक फिबोनाची सीरीज है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है, तो यानी कि जो क्वेश्चन है वो हमारा चेंज हो गया, कैन यू फाइंड अ फिबोनाची ऑफ 10। तो क्या आप फिबोनाची ऑफ 10 को निकाल सकते हैं? तो फिबोनाची ऑफ 10 के लिए यूनिट फिबोनाची ऑफ 9 एंड यूनिट फिबोनाची ऑफ 8। उसी तरीके से फिबोनाची ऑफ 9 के लिए यूनिट फिबोनाची ऑफ 7 एंड यूनिट फिबोनाची ऑफ 8, करेक्ट? तो ये जो क्वेश्चन है ये चेंज हो जाता है आपके पास फिबोनाची सीरीज में। क्लियर है? एंड वी नो कि फिबोनाची ऑफ 10 कितना होता है आपके पास, फिबोनाची ऑफ 10 इज 89, राइट? सो वी नो दैट फिबोनाची हम बोलते हैं एंड दिस इज द नंबर n। मैं निकाल देता हूँ आपके लिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिबोनाची ऑफ 1 इज 1, फिबोनाची ऑफ 2 इज 1, करेक्ट? आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिबोनाची ऑफ 3 इज 2 एंड सो इन दिस वे यू कैन सी फिबोनाची ऑफ 4 इज 3, फिबोनाची ऑफ 5 इज 5। ऐसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे, राइट? और बिकॉज यहाँ पर हमने बोला है, यहाँ पर जो हमने शुरू किया है इन दिस वे, इस क्वेश्चन में जो हमने शुरू किया था वो कुछ ऐसा शुरू किया था कि यहाँ पर अगर n की वैल्यू आपकी 1 थी तो उसका पेनेंट 1 था, और n की वैल्यू 2 है तो उसके 2 पेनेंट पॉसिबल है, n की वैल्यू 3 है तो 3 पेनेंट पॉसिबल, n की वैल्यू 4 है तो हमारे पास 5 आता है, n की वैल्यू 5 है तो 6 आता है, सॉरी 8 आता है, n की वैल्यू यहाँ पर अगर 6 है तो 13 आएगा, 7 है तो 21 आएगा, 8 है तो दिस इज 34, 9 है तो 21 दिस इज 55, और अगर आपके पास n की वैल्यू 10 है तो दिस इज 89। तो f ऑफ 10 यहाँ पर आता है आपके पास 89। ठीक है, तो आपके पास 89 पीनट पॉसिबल है विच इज फॉर नंबर 10, आई मीन 10 पीनट्स आपके पास 89 है, देयर 89 सच नंबर्स जहाँ पर आप जो 10 पीनट्स होंगे। क्लियर? तो जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को समझो और उसको अपनी फॉर्म में चेंज करो, तो इस क्वेश्चन भी आपका फिबोनाची सीरीज के ऊपर ही बेस्ड है। तो जो इसकी एक्सप्लेनेशन है यू कैन ऑल्सो सी दिस एक्सप्लेनेशन हियर। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज 89। क्लियर? ओके, सो लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स हैविंग देयर डिजिट इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो नॉन डिक्रीजिंग की बात की गई है, यानी कि वी कैन ऑल्सो हैव नंबर्स लाइक 1111। उसी तरीके से आपके पास नॉन डिक्रीजिंग है तो 1222 भी हो सकता है, या फिर 1234 भी हो सकता है, 1, 2, 3 एंड 3 भी हो सकता है। इस तरीके से आपके पास बहुत सारी 4 डिजिट नंबर्स हो सकती है। कंस्ट्रक्टेड बाई यूजिंग द डिजिट्स बिलोंग टू द सेट 1, 2, 3, तो यानी कि इस सेट में से ही हमने बनाना है, तो यानी कि इसमें 4 भी नहीं आएगा। तो वी कैन ऑल्सो हैव नंबर्स लाइक 1, 1, 1, 1, या फिर 1, 1, 1, 2, या फिर 1, 1, 2, 2, या फिर 1, 2, 2, 2, या फिर 2, 2, 2, 2। ठीक है, उसी तरीके से वी कैन ऑल्सो हैव 1, 1, 2, 3, या फिर 1, 1,
1.3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपको बताना है कि ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल हैं जहां पर आपके पास ये एक नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉर्म करेगा, सो विच विल फॉर्म अ नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, क्लियर है? इतना क्वेश्चन समझ आया सबको? इज इट क्लियर सो फार? अब इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी तरीके हैं, सो यू कैन डू दिस क्वेश्चन इन मैनी वेज। तो मैनी वेज में आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली जो टेक्निक है आपकी वो है ब्रूट फोर्स, वो है ब्रूट फोर्स, यानी कि आप फिजिकली लिखो कि कितने ऐसे सच कॉम्बिनेशंस पॉसिबल, कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, एंड विच इज़ अ वेरी लेंथी मेथड। तो यहाँ पर उन्होंने बेसिकली सिर्फ चार डिजिट की पूछा है, तो यहाँ पर बेसिकली आप कर भी सकते हो फोर डिजिट के लिए, बट अगर आपके नंबर ऑफ डिजिट इंक्रीज हो जाए सो दिस विल बिकम अ वेरी वेरी लेंथी मेथड। दूसरा तरीका आपके पास है ग्राफ की तरह से, आप एज ए ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है, ग्राफ की तरह कैसे बना सकते हैं? ठीक है, तो बिकॉज इन्होंने नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करी है, सो विच इज़ बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर विद इक्वल टू वैल्यूज। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर विद इक्वल टू वैल्यूज, तो उसका मतलब क्या है? देखो, हम एक इसके लिए ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे? अगर कोई नंबर 3 है तो उसके 3 चिल्ड्रन हो सकते हैं, विच इज़ 1, 2 एंड 3। अगर कोई नंबर 2 है तो उसके 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, विच इज़ 2 एंड 3। अगर कोई नंबर 1 है तो उसके सिर्फ एक ही चिल्ड्रन हो सकता है, विच इज़ 1। अब सर ग्राफ कैसे बनाएंगे? पहले ग्राफ को देखो कि मैंने ग्राफ कैसे बनाया है, देन मे बी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, तो आप इसको प्रॉपरली समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 3 से स्टार्ट करता हूँ, तो अगर कोई नंबर मेरे पास 3 है तो इसके 3 चाइल्ड हो सकते हैं, विच इज़ 1, 2 एंड 3। अगर कोई नंबर 1 है तो इसका सिर्फ एक ही चाइल्ड होगा, विच इज़ 1। अगर कोई नंबर 2 है तो इसके 2 चाइल्ड हो सकते हैं, विच इज़ 2 एंड 3। अगर कोई नंबर 3 है तो इसके 3 चाइल्ड हो सकते हैं, सॉरी नंबर 2 के लिए आपके पास 2 चाइल्ड हो सकते हैं, नंबर 2 के लिए चाइल्ड होंगे आपके पास 1, 2, तो यहाँ पर आएगा आपके पास दिस इज़ योर 1 एंड दिस इज़ योर 2। और नंबर 3 के लिए 3 चाइल्ड हो सकते हैं, 1, 2 एंड 3। अगेन 1 के लिए सिर्फ एक ही चाइल्ड हो सकता है, 1, इसके लिए भी एक ही चाइल्ड हो सकता है, 1, इसके लिए हो सकते हैं आपके पास या तो 1 होगा या फिर 2 होगा, इसके लिए सिर्फ 1 हो सकता है, इसके लिए या तो 1 होगा या फिर 2 होगा, और इसके लिए अगेन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। क्लियर? तो हमने इस तरह का ग्राफ बना देना है। अब इस ग्राफ से क्या होगा, अब इसे चेक करो इस ग्राफ में कितने पाथ पॉसिबल है। सो नंबर ऑफ पाथ इन द ग्राफ, नंबर ऑफ पाथ इन द ग्राफ फ्रॉम लीफ टू रूट, इस ग्राफ में लीफ से लेकर रूट तक कितने पाथ पॉसिबल। जैसे कि ये पहला पाथ है, तो पहला पाथ क्या आपके पास है, 1, 1, 1, 3। तो आप देख सकते हो ये जो पैटर्न है वो यहाँ पर आएगा, बिकॉज इट इज़ ए नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो जो पैटर्न है वो यहाँ पर आ सकता है। उसी तरीके से आपके पास ये जो पाथ है, ठीक है, ये वाला पाथ क्या आपके पास है, 1, 1, 2, 3, तो ये जो पैटर्न है ये यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, इन द सेम वे यू कैन ऑल्सो हैव दिस पाथ, आपके पास ये वाला पाथ भी आ सकता है, विच इज़ 1, 2, 2, 3। तो इस तरीके से आपको देखना है कि ऐसे कितने पाथ पॉसिबल हैं, हाउ मेनी सच पाथ्स आर पॉसिबल। इतना क्लियर हुआ आपको कि किस तरह का ग्राफ बनेगा? मैंने आपको सिर्फ बताया कि किस तरीके का ग्राफ बनेगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब ये जो ग्राफ्स हैं, अब ये जो ग्राफ है ये इसकी स्टार्टिंग यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 से करी है, दिस इज ग्राफ विद स्टार्टिंग 3। अगर ग्राफ की स्टार्टिंग 1 से होती तो आपके पास सिर्फ एक ही पाथ बनता ऐसे, अगर ग्राफ की स्टार्टिंग 2 से होती तो कितने पाथ बनते, सो हमें 4 लेवल्स बनाने हैं यहाँ पर, राइट? अगर ग्राफ की स्टार्टिंग 2 से होगी तो आपके पास कितने पाथ बनेंगे, और ग्राफ की स्टार्टिंग 3 से होगी तो कितने पाथ बनेंगे। अगर ग्राफ की स्टार्टिंग 1 से होती है तो सिर्फ एक पाथ बनेगा, ग्राफ की स्टार्टिंग 2 से होती है तो 1, 2, 3 एंड 4, तो आपके पास 4 पाथ बनेंगे अगर ग्राफ की स्टार्टिंग 2 से होती है, और अगर ग्राफ की स्टार्टिंग 3 से होगी तो कितने पाथ बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो यहाँ पर आपके पास टोटल 10 पाथ बनेंगे। तो
तो इनको पाथ को कैसे काउंट कर सकते हैं? दूसरा तरीका क्या है पाथ को काउंट करने का? जस्ट काउंट द नंबर ऑफ लीफ, नंबर ऑफ लीफ को काउंट करो. तो यहाँ पर कितनी लीफ है आपके पास? सिर्फ एक लीफ है, सो ओनली वन पाथ. यहाँ पर कितनी लीफ है आपके पास? फोर लीव्स है, सो फोर पाथ. यहाँ पर कितनी लीफ है काउंट करो यहाँ पर दोबारा से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. तो यहाँ पर आपके पास टेन लीफ है, तो बिकॉज आपके पास टेन लीफ है इसलिए यहाँ पर टेन पाथ बनेंगे. तो टोटल पाथ कितने हो जाएंगे आपके पास? वन प्लस फोर प्लस टेन विच इज़ इक्वल टू फिफ्टीन पाथ. आपके पास 15 सच पाथ्स आर पॉसिबल. तो यानी कि यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट विल बी 15. तो 15 ऐसी नंबर पॉसिबल है जो जिनका जो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर एग्जिस्ट करती है. सो दिस इज वन मेथड. तो हमने दो मेथड को डिस्कस किया. द फर्स्ट मेथड इज ब्रूट फोर्स टेक्निक, राइट. सेकंड मेथड इज यूजिंग अ ग्राफ. तो दूसरा जो मेथड था वो ग्राफ से था. अब जो तीसरा मेथड है इसका सॉल्व करने का वो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग. तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से आप थर्ड प्रॉब्लम को कर सकते हैं. सो बेटर बट स्टिल बेटर इज कि आप पहले दो को प्रिपेयर करो, उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है. बट लेट मी एक्सप्लेन यू कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग से कैसे करेंगे. सो यू कैन ऑल्सो वेरीफाई द सॉल्यूशन हियर. ये आपका पहला मेथड था ग्राफ वाला, ये आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग से है, और ये आपका ब्रूट फोर्स टेक्निक से है. तो ब्रूट फोर्स टेक्निक में जितने भी पॉसिबल हमारे पास सच कॉम्बिनेशन होंगे हम सभी कॉम्बिनेशन को लिखेंगे और उससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा. और ये आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग से है. तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि हम चेक करेंगे यहाँ से कि आपके पास अगर कोई नंबर तीन से स्टार्ट होती है, इफ़ अ नंबर स्टार्ट्स विद थ्री और वो सिर्फ एक डिजिट की नंबर है तो कितनी नंबर्स पॉसिबल है, कितने सबस्ट्रिंग्स पॉसिबल है? वन. अगर थ्री से स्टार्ट होने वाली दो डिजिट की नंबर, राइट, तो आपके पास कितनी स्ट्रिंग्स पॉसिबल हैं? वो आपके पास एक आएगा. इन द सेम वे आप चेक करोगे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग से इस टेबल को आप फिल करोगे, और जब इस टेबल को फिल करोगे तो यहाँ पर इन द एंड आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा. लेकिन इस टेबल को फिल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डिराइव दिस रिकर्सिव रिलेशन, और इस रिकर्सिव रिलेशन से देन यू हैव टू कन्वर्ट इनटू डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच एंड देन यू हैव टू गेट द सॉल्यूशन. सो दिस इज अ वेरी लेंदी अप्रोच. ये आपकी बहुत ही लेंदी अप्रोच है. मे बी आप इसको एग्जाम में यूज़ ना करो, ठीक है, बिकॉज ये जो प्रॉब्लम है ये आपके पास कम नंबर्स के लिए आएगा. तो सबसे ईजीएस्ट मेथड इज योर ग्राफ मेथड. तो जो ग्राफ वाला मेथड है वो सबसे ईजी है, और जो ये जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाला मेथड है वो बहुत लेंदी रहेगा, ठीक है. सो मे बी यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ इट, ठीक है, क्लियर. तो देखो यहाँ पर दिखा क्या रहा है डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, तो ये दिखा रहा है कि आपके पास जो डिजिट्स हैं आपकी वन डिजिट जो नंबर है जो थ्री से स्टार्ट होती है वो कैसे पॉसिबल है. ऐसे जो टू डिजिट जो आपके पास है नंबर्स और जिनकी स्टार्टिंग थ्री से होती है तो वो कितनी होंगी, जिनकी स्टार्टिंग टू से होंगी तो वो कितनी होंगी, और जिनकी स्टार्टिंग वन से होंगी तो कितनी होगी. जैसे अगर थ्री से स्टार्ट हुआ तो टू डिजिट की नंबर आपके पास थ्री थ्री हो सकती है, राइट. अगर कोई नंबर टू से स्टार्ट हो रही है तो नंबर आपके पास हो सकती है टू टू या फिर हो सकती है टू थ्री. अगर कोई नंबर वन से स्टार्ट होती है नंबर हो सकती है वन टू या फिर वन थ्री या फिर इस तरीके से आप वन वन. तो आपके पास तीन सच नंबर्स आर पॉसिबल. तो आप इस तरीके से इसको फिल कर सकते हैं टेबल को, और यहाँ से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस आर थ्री वेज ऑफ सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम. क्लियर हुआ इतना? क्लियर? प्लीज राइट डन इन द चैट विंडो इफ इट इज क्लियर सो फार. सी सोनिया, डायनेमिक प्रोग्रामिंग को भी आप रहने दीजिए, बिकॉज इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग अभी हम एल्गोरिथमिक डायनेमिक प्रोग्रामिंग को डिस्कस करेंगे. एल्गोरिथम सब्जेक्ट में डायनेमिक प्रोग्रामिंग आएगा, मे बी उसके बाद फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है. बिकॉज आई बिलीव अभी आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग, आपने एल्गोरिथम नहीं पढ़ा है तो आपको शायद डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में पता नहीं होगा, तो उसके बाद मे बी यू विल बी एबल टू क्लियर इट, ठीक है. चलिए अब आगे बढ़ा जाए. अब देखो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन में बढ़ जाए इंग्लिश. लेट यू इज इक्वल टू वन टू टू एन. यू एक सेट है जहाँ पर वन से लेकर एन तक नंबर्स हैं. एंड लेट ए इज इक्वल टू एक्स कॉमा कैपिटल एक्स, वेयर स्मॉल एक्स इज इन दिस कैपिटल एक्स एंड कैपिटल एक्स इज अ सबसेट ऑफ यू, ठीक है. जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ वी हैव अ सेट विच इज़ यू इज इक्वल टू वन टू एन थ्री, तो आपके पास ऐसे कितने एक्स हैं विच आर सबसेट्स ऑफ यू, कितने इसके सबसेट पॉसिबल हैं. तो कितने सबसेट पॉसिबल है? पहला है फाइव, दूसरा है जहां पर आपके पास सिर्फ वन सिंगल एलिमेंट होगा, राइट. तीसरा आपके पास सबसेट है जहां पर वन कॉमा टू यानी कि दो एलिमेंट्स के सबसेट,
और चौथा आपका सबसेट है व्हेन यू हैव 1, 2, 3 लाइक दिस. तो इस तरीके से आप काउंट करेंगे, सो देर आर टोटल ऑफ 8 सबसेट. तो अगर कोई भी सेट आपके पास है तो उसके पास, अगर इसकी कार्डिनलिटी n है, किसी भी सेट की कार्डिनलिटी n है, तो उसके पास 2^n सबसेट्स होते हैं. राइट, 2^n सबसेट्स होते हैं. जैसे कि यहाँ पर अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो इसके 2^3 सबसेट पॉसिबल हैं. 2^3 सबसेट पॉसिबल हैं. इतना क्लियर हुआ सबसे पहले कि हम सबसेट की बात कर रहे हैं यहाँ यहाँ पर. तो कितने x पॉसिबल हैं यहाँ पर? 2^3 पॉसिबल है. 2^x अगर यहाँ पर n, u की वैल्यू n है, तो 2^n सबसेट पॉसिबल है. नंबर ऑफ सबसेट पॉसिबल इज 2^n. और हर एक सबसेट के अंदर, हर एक सबसेट के अंदर आपके पास जो एलिमेंट x है, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट है आपको चेक करना पड़ेगा. अगर एक सबसेट phi है तो phi के अंदर कोई भी एलिमेंट x नहीं है. अगर एक सबसेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, जैसे 1 है, तो उसके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा. तो वी कैन से वन बिलोंग टू दिस सेट 1. उसी तरीके से अगर किसी सेट में दो एलिमेंट्स हैं तो वी कैन से 1 बिलोंग टू द सेट एलिमेंट और 2 बिलोंग टू दिस सेट. तो बेसिकली ये जो डिपेंड करता है, अगर आपके पास एक सबसेट पॉसिबल है जिसकी जिसका साइज 0 है तो एक्स भी नहीं होगा. अगर एक सेट पॉसिबल है जिसका साइज 1 है, तो यानी कि हमें सेट 0 को तो इग्नोर करना पड़ेगा. वी आर गोइंग टू इग्नोर दिस सेट 0. अगर किसी का साइज 1 है तो आप चेक करना पड़ेगा कि उस केस में आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा. अगर किसी सबसेट का साइज 2 है तो यहाँ पर आपके पास 2 एलिमेंट आ सकते हैं. अगर किसी सबसेट का साइज 3 है तो यहाँ पर आपके पास 3 एलिमेंट आ सकते हैं. राइट, तो आपके जितने भी सबसेट है, तो हर एक सबसेट की कार्डिनलिटी के अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि एक्स में कितने एलिमेंट आ सकते हैं. क्लियर सो फार? इज इट क्लियर? तो यानी कि अगर मैं बोलता हूं कि ऐसे सबसेट जिनका साइज 0 है, तो कितने होंगे सबसेट जिनका साइज 0 है? दैट इज एन सी 0, कि हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट 0 एलिमेंट फ्रॉम एन एलिमेंट. उसमें से आपके पास कोई भी एलिमेंट यानी कोई भी एक्स नहीं आएगा. ऐसे सबसेट जिनका साइज 1 है, तो कितने सबसेट हो सकते हैं? दैट इज एन सी 1. इतने सबसेट हो सकते हैं जिनका साइज 1 है, और उसमें से आप सिर्फ एक ही नंबर को सेलेक्ट कर पाएंगे. ऐसे सबसेट जिनका साइज 2 है, तो आएगा एन सी 2. तो जो आपके पास आएगा उससे हर एक सबसेट से आप 2 नंबर को सेलेक्ट कर पाएंगे. ऐसे सबसेट जिनका साइज 3 है, तो आपके पास आएगा एन सी 3. तो उसमें से आप 3 नंबर को सेलेक्ट कर पाएंगे. उसी तरीके से ऐसे सबसेट जिनका साइज n है, तो एन सी n, उसमें से आप n नंबर्स को सेलेक्ट कर पाएंगे. तो अगर आपको देखना है टोटल कितने होंगे, तो सबको ऐड करो. तो ऐसे टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे a के अंदर, इन सबको ऐड करो. a के अंदर इतने एलिमेंट्स होंगे, और ये वैल्यूज कितनी आपके पास? ये है एन सी 1 प्लस 2 इंटू एन सी 2 प्लस 3 इंटू एन सी 3 प्लस 4 इंटू एन सी 4 अप टू सो ऑन टिल n इंटू एन सी n. तो ये आपके पास होगा. अगर आप इस सभी को लिखेंगे, तो इसको आप मैथमेटिकल टर्म में कैसे विजुलाइज कर सकते हैं? तो इट इज बेसिकली समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n, वेयर k इंटू एन सी k. तो ये आपके पास, इस पूरी टर्म को आप मैथमेटिकली इस तरीके से भी समराइज कर सकते हैं. पूरी टर्म को आप मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं. तो ये क्या होगा आपके पास? सेकंड ऑप्शन. तो ये है आपके पास सेकंड ऑप्शन, की जो a है, a की जो कार्डिनलिटी है वो इतनी होगी, a के अंदर इतने एलिमेंट्स आएंगे, दीज मैनी एलिमेंट्स विल बी प्रेजेंट इन द सेट a. ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि सेकेंड ऑप्शन इज ट्रू, बट द फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू. फर्स्ट ऑप्शन भी ट्रू है. अब फर्स्ट ऑप्शन को ट्रू करने के लिए आपको एक बेसिक मैथमेटिक्स आपको पता होना चाहिए. लेट मी शो यू. आपके पास जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होती है, जो आपके पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, विच इज़ 1 + x^n, तो सबसे पहले आपके पास एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन होना चाहिए. अब ये जो पूरी आपकी बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, इसमें इफ यू टेक डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ द साइड्स, आप दोनों साइड से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगी. और यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू को 1 रखेंगे, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी. तो ये एक्सप्रेशन कौन सी है? जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है. दिस इज योर सेकंड एक्सप्रेशन. दिस इज योर समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n, एंड दिस इज k इंटू एन सी के. तो ये आपकी सेकंड एक्सप्रेशन है. तो हम यहाँ से बाइनोमियल एक्सप्रेशन से प्रूव कर सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है वो इसके इक्वल है. तो इस क्वेश्चन को आप तभी कर पाएंगे जब एग्जाम टाइम पे आपके दिमाग में क्लिक हो कि भाई हमारे पास बाइनोमियल भी हो सकता है, हम इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं. तो ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं है. राइट, आप सेकंड एक्सप्रेशन तक पहुंचना बहुत इजी है, सेकंड एक्सप्रेशन करना बहुत इजी है. उसी तरीके से आपके जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है,
आपको देखना पड़ेगा कि फर्स्ट एक्सप्रेशन में हम इसको इसके इक्वल कैसे प्रूव कर सकते हैं. तो ये जो प्रूफ करना है, दिस प्रूफ इज़ द की. ये जो प्रूफ है, ये इस क्वेश्चन में डिफिकल्ट पार्ट था, यानी कि फर्स्ट एक्सप्रेशन को प्रूव करना डिफिकल्ट था, जो सेकेंड एक्सप्रेशन है वो बहुत आसान थी. तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जामिनेशन में काफ़ी कम स्टूडेंट सॉल्व कर पाते हैं. ओनली 0.01% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज उस समय पर आपके एग्जाम माइंड में ये चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए कि इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं. सो आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो दिस क्वेश्चन, ठीक है. और ये जो क्वेश्चन है, ये गेट का क्वेश्चन नहीं है, दिस इज एक्चुअली आई गेस गेट का ही क्वेश्चन है, राइट. सो गेट 2019 का क्वेश्चन है, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. सो काफ़ी कम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया था. क्लियर सो फार? इज इट क्लियर? नाउ लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन. सो इन दिस क्वेश्चन दे आर सेइंग, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड एबकस बी रीअरेंज्ड सच दैट द वॉवल्स ऑलवेज अपीयर टुगेदर. ठीक है, तो आपके पास वर्ड है ए बी ए सी यू एस. आई बिलीव ये क्वेश्चन मैं क्लास में करा चुका हूँ. तो यहाँ पर वॉवल्स कितने हैं? ए ए एंड यू, ये आपके वॉवल्स हैं. और जो वॉवल्स नहीं है वो है बी सी एंड एस, ये वॉवल्स नहीं है. तो आपके पास कितनी यूनिट हो गई? दिस विल बी योर वन यूनिट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर. तो आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में? इट्स वेरी वेरी ईजी. आपको करना ये है कि यू आर गोइंग टू फाइंड फोर फैक्टोरियल वेज. क्या आप इन सबको फोर फैक्टोरियल वेज में रीअरेंज कर सकते हो? मल्टीप्लाइड बाय, अब ये जो आपके पास है ए ए यू, इसको कितने वेज में रीअरेंज कर सकते हैं? थ्री फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल. टू फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो ए आ गए. सो दिस विल बी फोर फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल, विच इज़ आई गेस ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर. तो ये आपका TIFR का क्वेश्चन है, विच इज़ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च. नाउ दिस इज द क्वेश्चन विच इज़ इंटरेस्टिंग. ये क्वेश्चन आई डोंट एक्सपेक्ट यू कि आपको पता हो, दैट इज़ वाई दिस इज TIFR क्वेश्चन. तो ये TIFR में जो है काफ़ी मैथमेटिक्स पूछी जाती है. आपका TIFR का जो एग्जामिनेशन होता है वो मैथमेटिक्स इंटेंसिव होता है. सो दे टेक दो स्टूडेंट्स हु आर कम्प्लीटली इन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, ठीक है. तो आई डोंट एक्सपेक्ट यू कि आपको ये क्वेश्चन पता हो, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है. आपको इसकी बेसिक फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे. मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ. इस तरह का क्वेश्चन इसलिए मैंने लिया है बिकॉज अगर आपका एग्जाम में ऐसा आता भी है देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. देखो, अगर आपके पास 1x1 का चेस बोर्ड है तो कितने स्क्वायर हैं यहाँ पर? यहाँ पर सिर्फ एक ही स्क्वायर है. अगर आपके पास 2x2 का चेस बोर्ड है, राइट, सो कितने स्क्वायर हैं यहाँ पर? द फर्स्ट स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर, थर्ड स्क्वायर, फोर्थ स्क्वायर. और आप चेक करोगे ये कम्प्लीट जो है ना, कम्प्लीट ये भी एक स्क्वायर है. तो टोटल यहाँ पर 5 स्क्वायर्स हैं, ठीक है. उसी तरीके से अगर आपके पास 3x3 का चेस बोर्ड है, राइट, दिस इज चेस बोर्ड ऑफ 3x3, तो कितने स्क्वायर है यहाँ पर? आप चेक करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 स्क्वायर्स तो ये हो गए. उसके बाद यू हैव 1, एक ये स्क्वायर हो गया, दिस इज 10th स्क्वायर, दिस इज 11th स्क्वायर, दिस इज इसके अलावा यू हैव दिस इज योर 12th स्क्वायर, ये आप 12th स्क्वायर हो गया. एंड देन दिस इज योर 13th स्क्वायर, ये आपका 13th स्क्वायर हो गया. और फिर उसके बाद ये आपके पास एक 14th स्क्वायर है. तो करना ये है कि 1x1 के आपके पास एक ही स्क्वायर पॉसिबल है. अब यहाँ पर सेकंड केस में क्या होगा कि 1x1 के आपके 4 स्क्वायर पॉसिबल है, राइट. सो ये 2x2 का बोर्ड है तो आपके पास 2 स्क्वायर, यानी कि 4 स्क्वायर्स आर देयर ऑफ 2x2 प्लस 1 स्क्वायर इज देयर विच इज़ ऑफ दिस मच साइज. उसी तरीके से यहाँ पर कितने स्क्वायर है? सो इट इज़ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो विच इज़ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू हाउ मच? 9 + 4 + 1, विच इज़ इक्वल टू 14. तो 14 स्क्वायर्स यहाँ पर पॉसिबल है. उसी तरीके से 8x8 के चेस बोर्ड में 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो इतने आपके पास स्क्वायर्स पॉसिबल है, ठीक है. तो इतने स्क्वायर आपके पास आते हैं. और ये रीजनिंग में भी आता है, बट दिस इज़ नॉट अ काइंड ऑफ अ गेट या यूजसेट वाला क्वेश्चन नहीं है. तो ये जो आपके पास है, दिस इज़ अ फॉर्मूला. तो ये स्क्वायर सम ऑफ एन नंबर्स, तो कितना होगा आपके पास? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नंबर विल बी एन इंटू एन प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2n + 1 डिवाइड बाई 6. तो ये आपका फॉर्मूला है. तो आपके पास 8 अगर आपके पास है तो हो जाएगा 8 × 8 + 1 मल्टीप्लाइड बाई 16 + 1 डिवाइड बाई 6. तो हो जाएगा 8 × 9 × 17 डिवाइड बाई 6, आई गेस ऐसा कुछ होगा, विच इज़ इक्वल टू 204. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 204.
तो 204 इसका करेक्ट आंसर आएगा. क्लियर है आपको? दिस वॉज अ TIFR क्वेश्चन और आप इसको ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हैं. अगर कहीं पर भी ऐसा गिवन है कि आपके पास एक n क्रॉस n बोर्ड है, आपके पास एक n क्रॉस n बोर्ड है, तो यहाँ पर कितने स्क्वायर होंगे? सो इट इज़ n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 स्क्वायर प्लस n माइनस 2 स्क्वायर अप टू सो ऑन 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाउ मच, विच इज़ n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6. तो इतने स्क्वायर पॉसिबल है इन्हें n क्रॉस n बोर्ड, यहाँ पर इतने स्क्वायर हो सकते हैं. ठीक है, क्लियर सो फार? So let us take this question. Let me see how many questions are remaining. Okay, so I guess there are still many questions are remaining.